ग्रेटर नोएडा B2 थाना क्षेत्र के अंतर्गत तुगलकपुर मंदिर से वापस लौट रहे 9 वर्षीय बच्चे को अज्ञात कार सवार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। लोगों ने बच्चे को उठाकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने मंदिर के पास फुट ओवर ब्रिज बनाने की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस और प्राधिकरण के अधिकारियों ने लोगों को उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन देकर शांत कराया। देखिए, यहाँ तुगलपुर के पास एक प्राचीन मंदिर है और ये गांव वाले अक्सर यहाँ पे भंडारे वगैरह के लिए आते रहते हैं। उसी में आज एक बच्चा रोड क्रॉस करके आ रहा था और उसकी दुर्घटना हो गई एक स्कूटी से, जिसमें उसको चोट आई। चोट आने के बाद उसके इलाज हेतु यथार्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया, यहाँ उस समय ICU में भर्ती। जो गांव वालों की कुछ डिमांडें थी कि यहाँ पे एक FOB होना चाहिए, फुट ओवर ब्रिज होना चाहिए, उसकी डिमांड को लेकर के हमने प्राधिकरण के साथ संपर्क किया है और प्राधिकरण से भी अधिकारी आए हैं और उन्होंने गांव वालों की सभी डिमांडों को लिख करके सुन करके उस पर आगे क्या कार्रवाई हो सकती है वो अपने स्तर से करवाई।